दोस्तों, हम जितना प्रोटीन खाते हैं उतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। कुछ लोगों का प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, और स्वागत करता हूं आपका किलो फिटनेस एंड लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम मैक्सिमम प्रोटीन जितना भी खाएं उसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू टिप नंबर 1 से। हाइड्रेशन का मतलब है कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इंटायर डे। आपको पूरे दिन लगातार पानी पीते रहना है। पानी की वजह से हमें उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। पॉइंट नंबर 2 है कि प्रॉपर मिक्सिंग। जब भी हम प्रोटीन पाउडर को अपने शेकर में डालते हैं तो कभी कभी जल्दीबाजी की वजह से हम उसे शेक अच्छे से नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें गांठें रह जाती हैं, कुछ लंप्स रह जाते हैं, और वो लंप्स जो हमारे पेट में जाके इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। टिप नंबर 3 है एंजाइम सप्लीमेंट्स। दोस्तों, मार्केट में कई सप्लीमेंट्स आते हैं जिनसे हमारे डाइजेशन में इंप्रूवमेंट होती है। यहां पर मैं किसी ब्रांड का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप अपनी मार्केट रिसर्च से किसी एक अच्छी ब्रांड का एंजाइम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो कि एनहांस करता है प्रोटीन ब्रेकडाउन को। पॉइंट नंबर 4 है लिमिट योर अल्कोहल इंटेक। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हमारा लिवर उस अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में ही जुट जाता है। हमारा लिवर अल्कोहल को एज ए टॉक्सिन ट्रीट करता है, और उसका काम ये होता है कि वो उस अल्कोहल को हमारे बॉडी से जल्दी बाहर फेंके। तो ऐसे में अगर हम प्रोटीन कंजम्पशन कर रहे हैं तो लिवर उसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट या ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है अल्कोहल को मेटाबोलाइज करने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, प्रोबायोटिक। इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, आप जाके बाद में जरूर देखना। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन डाइजेशन के लिए हमें मील्स के साथ में, अपने खाने के साथ में प्रोबायोटिक फूड को लेना चाहिए। अब प्रोबायोटिक फूड में क्या क्या आता है? नंबर 1 पर है कर्ड, नंबर 2 पर है पिकल, और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि बनाना, कस्टर्ड एप्पल और वाटरमेलन। ये सब प्रोबायोटिक फूड्स की कैटेगरी में आते हैं, और अगर हम इनका कंजम्पशन करते हैं तो हमें प्रोटीन डाइजेशन में काफी आसानी होगी। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स में बटर मिल्क और इडली भी हम प्रोबायोटिक फूड ही मानते हैं। अगर यहां तक आप मेरे साथ वीडियो में बने हुए तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली कर लीजिए। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, टाइमिंग। अब ये किस चीज का टाइमिंग है? ये टाइमिंग है प्रोटीन को कंज्यूम करने का। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप सोचो कि मुझे 150 ग्राम प्रोटीन लेना है पूरे दिन में, और आप कम से कम 70-80 ग्राम एक ही साथ कंज्यूम कर लो, तो वैसा ना करें, बल्कि अपने जो क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन है उसको पूरे दिन में स्प्रेड करें, 20 ग्राम 25 ग्राम एक साथ लेके। तो उससे होगा ये कि हमारी बॉडी उसको अच्छे से एसिमिलेट कर पाएगी, और हम उसको अच्छे से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एग, चिकन और फिश है वो कोशिश करें आप अपने लंच टाइम तक फिनिश करने की, क्योंकि इन हैवी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द डे में हम उसको डाइजेस्ट, हमारा लिवर और हमारी बॉडी कर सकती है, जबकि जो लेटर हाफ ऑफ द डे है जिसमें कि आप टोफू या पनीर अगर लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लेगी और हमारे लीवर पे भी स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फाइबर। फाइबर रिच फूड्स आपको ज्यादा से ज्यादा खाने हैं, जैसे कि सलाद और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। इससे क्या है कि हमको डाइजेशन में आसानी होती है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी ये काफी हमारी मदद करता है। अगला पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ फैट्स के बारे में। लिमिट योर फैट्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फैट खाने नहीं है। जो अच्छे फैट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, लेकिन जो हमारे वो फैट्स हैं हमें वो प्रोटीन खाने से पहले या उसके साथ में या उसके बाद ना लें। जो फैट होता है वो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रिक या फिर ब्लोटिंग जैसा महसूस हो सकता है। आखिरी पॉइंट पर हम आ गए हैं, और ये है अवॉइड एंटासिड मेडिकेशन। जो एंटी एसिड मेडिकेशंस होते हैं वो अपने जो प्रोटीन है या अपनी जो मील है उसके साथ ना लें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पेट में ऑलरेडी एसिड होता है, जो कि हमें डाइजेशन में बहुत मदद करता है, और अगर हम एंटासिड टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो उस एसिड प्रोडक्शन को कम कर देता है, और जिसकी वजह से हमें अपने प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में होगी डिफिकल्टी। तो ये था वीडियो मेरा 10 टिप्स फॉर प्रोटीन कंजम्पशन के बारे में। आई एम श्योर वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।